करो शुरू। क्या सोच रहे मोटू, इतने ध्यान से क्या बैठे हो ऐसे करके? ऐसे कोई बैठता है क्या? सोच में लगे रहते हो कि अंजना को क्या करना है, ये अंजना ने इतने सारे काम दे दिए कैसे पूरे होंगे, है ना? यही सोच रहे हो ना, $40 million कैसे दूंगा इसको, प्राइवेट जेट कहाँ से आएगा, कब आएगा? 23rd को मेरा बर्थडे आने वाला है, बहुत अच्छे से हैप्पीनेस सेंटर का इनॉग्रेशन करवा दो। और सुनो मेरी बात, ऐसे किसी इंसान को भेजो जो दुनिया में बहुत दुखी है, परेशान है, जो जीना नहीं चाहता, उसको हैप्पीनेस सेंटर का एड्रेस दो जिससे उसके सारे ख्वाब पूरे कर सकूं, और मैं उसको बताऊं कि अपने सपने जो होते हैं उम्र के मोहताज नहीं होते हैं, सोच के मोहताज होते हैं। मैं उनकी सोच बदलूंगी और उनके सपने पूरे करूंगी जिससे जब भी वो उस जग को छोड़ के जाए उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो, एक सुकून हो। और ये जिम्मेदारी मोटू आपकी है। हर वो व्यक्ति जिसको हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस सेंटर की जरूरत है, उसको मेरा एड्रेस दो, है ना? मैं अपने लिए तैयार हूं। और प्लीज इस हैप्पीनेस सेंटर को ऐसा करो कि पूरे 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 जगत में हैप्पीनेस सेंटर का नाम हो और हम एक मिसाल बना सकें कि बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं जब गणपति बप्पा साथ में होते हैं और उनको सपने बताए जाते हैं, तो सारे बड़े बड़े सपने पूरे होने होते हैं। हमको ये नहीं सोचना है पैसा है नहीं है, गणपति है ना, काम हो जाएगा, क्यों है ना, यही सोच रहे हो। तो सारे काम आपको भी पता है कि सालों से मैं आपको देती आ रही हूँ और आप पूरे करते आ रहे हो, तो ये एक और बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर हैप्पीनेस सेंटर की, आज मैं बोल रही हूँ। और पूरा संभाल लीजिए, टेक ओवर कर लीजिए प्रोजेक्ट को, ठीक है? अच्छे से हैप्पीनेस सेंटर का, और मेरा बर्थडे है उस दिन 23rd को, एक अच्छा सा गिफ्ट दे दीजिएगा, हैप्पीनेस सेंटर का अच्छे से इनॉग्रेशन करा दीजिए। अच्छे अच्छे बुजुर्ग इंसान जिनको अंजना की जरूरत है, जिनको हैप्पीनेस की जरूरत है, उनको हैप्पीनेस सेंटर का एड्रेस दीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत क्यूट लग रहा है, लव यू, लव यू।